ओके, वेलकम ऑल। तो कौन है आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर? तो हमारी जो ये दीदी है ना, इनसे आप पहले मिल चुके हो, एंड दैट वाज अ अमेजिंग अमेजिंग सेशन विद वंडरफुल फीडबैक विद क्षितिज आदि। यस प्रिया, यस तन्वी, यू आर राइट। हम उनसे कब मिले थे पता है? लास्ट टाइम उन्होंने एक सेशन लिया था हमारे लाडली में, और वो था सेल्फ डिफेंस का डेमो, याद है आप सभी को? ओ, मेरे यहाँ लाइट चली गई, वेट अ मिनट। सो क्षितिजा दीदी ने लास्ट टाइम हमें दिया था एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। कितने लोगों को अच्छा लगा था? बहुत अच्छा डेमो था, क्योंकि आप में से बहुत सारी लाडलियों ने हमें बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि मैम वो बहुत ही अच्छा सेशन था, प्लीज हमें रिकॉर्डिंग दीजिए, या फिर से क्षितिजा दीदी को हमारे प्लेटफॉर्म पे बुलाइए। तो हमने सोचा कि आप सभी की ये जो रिक्वेस्ट है उनका सम्मान करते हुए आज हमने इनवाइट किया है क्षितिजा मैम को। तो क्षितिजा मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस प्लेटफॉर्म में आइए। क्षितिजा मैम की अगर हम छोटी सी इंट्रोडक्शन देते हैं, सो शी इज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, डैन टू कराटे चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन, कराटे खेलती है, और उनका खुद का ब्लॉग भी है, और जैसे हम सब जानते हैं शी इज द फाउंडर ऑफ 5M क्लब। सो लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज क्षितिजा मैम। यस, तो क्षितिजा मैम स्वागत है आपका यहाँ पे। अनम्यूट कीजिए ना प्लीज खुद को। यस, थैंक यू सो मच मैम। यस, तो क्षितिजा जी, हमने आपको देखा है एज अ स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी, जो यू नो माइंड से भी स्ट्रॉन्ग है, स्किल से भी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी सेट से भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, यू नो ये जो हमारी लाडलिया है और बहुत सारी यू नो टीनेजर गर्ल्स होते हैं, बहुत बार क्या होता है ना, जैसे हम बाहर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं। यू नो द एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि टीजिंग के हो सकते हैं, बुलिंग के हो सकते हैं, ओके। तो मैं बात कर रही थी कि यू नो सारी लड़कियां बाहर जाती है, सोसाइटी में जाती है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि छेड़खानी होती है, या फिर कोई मस्ती कर देता है, कोई टीजिंग होती है, कभी बुलिंग होती है, लेकिन सारी लड़कियां ये सब जो होता है ना उसे अपने दिल में छुपाए रखती है, बात नहीं कर पाती, या फिर उसके साथ कैसे डील करना है उनको पता नहीं होता है। बहुत बार तो घबरा भी जाती है, और बहुत बार उनको ये भी लगता है कि कैसे मैं, मतलब अगर मैं किसी को बताती हूँ तो उनकी रिएक्शन क्या होगी। तो मुझे लगता है कि इसका एक असर्टिव वे है कि हम कैसे अपनी बात सामने वाले की व्यक्ति के सामने असर्टिवली रख पाए। तो क्षितिजा दीदी, एज यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, क्या आप हमारी लड़कियों को इसको इस पे थोड़ा गाइड करेंगे प्लीज? Yes, ma'am, sure. First and foremostly, thank you so much, everyone. Thank you all, Ladlio. And thank you, Monica ma'am, Nisha ma'am, for inviting me and giving me an opportunity. So surely, I would like to give an example of my own experience, and would like to lead this question of you. So, हमारे जो लाइक यू नो जैसे हम टीनेज में आते हैं, या फिर जैसे भी हम चाइल्डहुड से हमारे जो हमारे ऊपर जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कितने जन अग्री करेंगे मेरे इस बात पर? सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो यस, जैसे ही 9th में आई, आई एम पर्सनली एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं धीरे धीरे अभी एक्सट्रोवर्ट हुई हूँ, बट पहले तो मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी। सो 9th में मुझे सभी लोग आइसोलेट करने लगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई लाइक मैं किसी में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, आगे नहीं आती थी। बट इसका मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम दिखने लगा। सो दे ऑल स्टार्टेड आइसोलेटिंग मी। फिर उसके बाद 10th में
आई थॉट एवरीथिंग वुड बी गुड क्योंकि लास्ट ईयर होता है. फिर टेंथ में हमारे क्लास टीचर चेंज हुए और वो एकदम जॉली क्लास टीचर थे. सो वो एकदम जॉली क्लास टीचर थे एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट सारे बच्चे एक साथ आने चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर है. सो उन्होंने हमें कुछ ऐसे बेंच पार्टनर्स के साथ सेटल कर दिया जिनसे हम कभी बात नहीं करते थे. सो दैट वॉज अ गुड डिसीजन ऑफ हिम. बट मेरा जो बेंच पार्टनर था वो एक लड़का था. आई वुड नॉट टेक हिज नेम. सो वो क्या करता था, ही यूज टू कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है. वो हमारे जो दोस्त होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं. यस. सो कुछ ना कुछ कार्य करता रहता था. ही यूज टू मेक जोक्स. जैसे हमें निशा मैम ने भी कुछ पिछले उनके एग्जाम्पल में भी बताया कि उन्होंने भी ये चीजें फेस की. बट मेरे साथ कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक हुआ था. लाइक ही यूज टू क्रैक जोक्स ऑन मी एंड द सराउंडिंग 10-15 पीपल हु यूज टू लाफ ऑन मी एंड आई कुडंट से एनीथिंग बिकॉज मैं चुप चुप रहती थी एंड आई डोंट नो कि कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर. फिर दिस वेंट ऑन अंटिल 6 months एंड आई वॉज बेरिंग इट. आई यूज टू लिटरली क्राई. आई यूज टू गेट नाइटमेयर्स ऑफ दैट. देन फिर मैंने अपने लिए खुद के लिए एक डिसीजन लिया कि नो आई विल बी असर्टिव फॉर माई सेल्फ नाउ. क्योंकि मैं कराटे खेलती हूँ दैट वॉरियर स्पिरिट मुझ पर जाग गया. आई एम अ कराटे फाइटर. आई एम अ सेकेंड डैन ब्लैक बेल्ट. सो वो एक स्पिरिट मुझ में जाग गया एंड आई टोल्ड माई सेल्फ दैट यू आर नॉट लेस. सो आई डिसाइडेड टू टेल माई क्लास टीचर अबाउट द सेम. फिर मैंने खुद को उनसे डिस्टेंस कर लिया क्योंकि अगर आपको यहाँ पे जहर दिख रहा है और आप खुद वहाँ पे जा रहे हो देन दैट्स नॉट गुड. दैट्स नॉट Yes, so I decided to distance myself from them. And फिर वो लोग मेरे पास आए. उन्होंने मुझे sorry वगैरह कहा. And they said that jokes तो चलते ही रहते हैं यार, तुमने complain क्यों कर दी, हमारी internals पे बहुत ज्यादा असर होगा. Then I told them one thing कि I can take jokes, but I cannot take joke as a disrespect. I cannot take disrespect as a joke. So that's the one thing everyone should understand कि अगर कोई आपको चिढ़ाता है then you should assertively come back with that warrior spirit. You should fight with that. So yes, that was my personal experience. Aur agar aapke sath kuch aisa hota hai then you should assertively speak about the thing. You should give yourself time to heal. Jaise maine khud ko diya, I gave myself time to heal. Saath hi saath maine apna daily routine continue kiya. I continued whatever I like. Whatever I liked, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था. स्पोर्ट्स और मेरा लाइक बचपन से बहुत गहरा नाता है. सो आई कंटिन्यूड विथ माई स्पोर्ट्स माई कराटे एंड दैट गेव मी हैप्पीनेस. देन आफ्टर दैट मैंने अपने SSC एग्जाम्स दिए. देन आई गॉट अ ब्रेक फ्रॉम दैट इंसिडेंट. मैं अपने मम्मा के साथ वेकेशंस पे गई थी, मम्मा डैडा के साथ. वहाँ पे मुझे मैं पूरा हील हो गई इस इंसिडेंट से. सो दैट्स व्हाट हाउ आई हील फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड आई लर्न दैट यू शुड स्पीक असर्टिवली फॉर योरसेल्फ. वाओ, कितना बढ़िया सेंटेंस है कि यस वी फ्रेंड्स है, जोक्स चलते हैं, तो वी कैन टेक जोक बट वी कैन नॉट टेक डिसरिस्पेक्ट एज जोक. व्हाट अ वंडरफुल सेइंग दिस इज. थैंक यू क्षितिजा मैम. और जिस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको किसी की मदद लेनी है, फिर वो क्लास टीचर की आपने मदद ली, डिस्टेंसेस करना है, खुद को हील करना है, हमारी जो स्पोर्ट्स है, हॉबीज है, उसको कंटिन्यू करना है, डेली रूटीन करना है. वंडरफुल क्षितिजा, थैंक यू शेयरिंग फॉर दिस. और मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया इसमें कराटे का बहुत रोल, जैसे आपने बोला कि आप बहुत कराटे खेलती है, तो कराटे ने आपको ताकत दी कि कैसे आपका माइंड भी इतना स्ट्रांग हो गया और यू नो यू हैड दैट स्किल एंड पावर कि यस वो कुछ नहीं होता है, अगर वो आ भी जाता है सामने से तो एक गुद्दा भी लगा सकता है वैसे, राइट?
ओके तो आफ्टर हीलिंग फिर आपने फ्रेंड्स कैसे चूज किए, मतलब सिलेक्शन ऑफ राइट फ्रेंड इन द लाइफ इज अ वेरी गुड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारे यहाँ, तो हाउ आपने कैसे चूज किया फिर फ्रेंड्स उसके बाद में? ओके सो एज माय एसएससी एग्जाम्स हैपेंड सो उसके बाद आई मतलब मैं वो जो इंसिडेंट था, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, वो जो इंसिडेंट था वो मैं अलग नजरिए से देखने लगी. आई गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं उस इंसान के नजरिए से देखने लगी. एंड दैट्स वेयर आई फाउंड आउट दैट कि मैं ये ऑसम जो मेरा करियर है या फिर मेरा जो प्यार है साइकोलॉजी, ये मेरे दैट इज मेड फॉर मी. सो आई चोज साइकोलॉजी एज माई करियर एंड आई एम करंटली इन 12th ग्रेड राइट नाउ स्टडिंग साइकोलॉजी. और आप ब्लॉग भी लिखती है शायद, है ना? यस आई राइट ब्लॉग्स ऑन साइकोलॉजी थीम. क्या बात है, तो हमारी लाडलियाज भी आपका ब्लॉग जरूर जरूर यू नो ये करना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. मैं निशा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उनके ब्लॉग की लिंक यहाँ पे दे दीजिए ताकि हमारी लाडलिया वहां पे जाके अलग अलग सब्जेक्ट पे वो पढ़ पाए. सो थैंक यू क्षितिजा मैम. सो अगेन वी आर कमिंग कि कैसे आपकी फ्रेंड्स फिर बाद में कैसे हुआ फ्रेंड्स के साथ आपके? Yes. So after my SSC exams, I healed from that incident. But मुझे ऐसे बार बार ऐसे realizations होने लगे कि जो मेरी mistake हुई last time, I couldn't speak assertively, I couldn't choose my circle correctly. So इस बार I became wise. क्योंकि आपने आपने सभी ने शायद ये quote सुना होगा, your last mistake is your best teacher. सो वो मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया एंड आई चोज दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट द थिंग कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में कुछ ऐसे ही दोस्त चाहिए, कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो मुझे इंकरेज करे. सो आफ्टर दैट सो मुझे मेरे लाइफ में ITG फैमिली आई. 11th में मेरे लाइफ में ITG फैमिली आई. मुझे इतने प्यारे दोस्त मिले जैसे स्वराली, है, देन सुनी भी है, देन वी हैव निशा मैम ओवर हियर, देन आई हैव तन्वी मैम ऑल्सो हियर. सो ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे मिले एंड आई वॉज थिंकिंग कि लाइक यू नो मैं ढूंढ रही थी और मुझे यहाँ पे मिल गए. मैं तो सोच रही थी कि मैं कब से ढूंढ रही थी और ये तो बगल में ही निकले. देन उसके बाद लॉकडाउन हुआ एंड आरसी सर के भगवद गीता पे सेशन शुरू हुए. आप सभी को शायद मालूम होगा कि आरसी सर एक भगवद गीता के प्रवचनकार है, निशा मैम के पापा जी. सो यस सो उनके भगवद गीता के सेशन में रोज अटेंड करती थी जैसे पॉसिबल हो वैसे. उसमें से मेरे बहुत सारी लर्निंग्स है लेकिन मैंने एक लर्निंग इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी लर्न की कि अगर दोस्त कोई भी हो तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोस्त कृष्ण जैसा हो देन हताश हुआ अर्जुन भी उठकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है. सो दैट्स वो एंड देन आई फाउंड आउट दीज अमेजिंग फ्रेंड्स जैसे कि स्वराली है. मेरी कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट टू फ्रेंड्स. वन इज श्रावणी, उनका स्पेशल मेंशन जरूरी है यहाँ पे. वन इज ऑल अबाउट श्रावणी एंड सेकेंड वन इज सौरभ. दीज लाइक यू नो अनमोल हीरे है लाइफ में. देन आई हैव निशा मैम ओवर हियर, देन स्वराली मैम है. सो यस आई फाउंड आउट दीज हीरे इन माई लाइफ. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू. So yes, that was all about my friend selection. Yes, तो बहुत ही अच्छा कहा है यहाँ पे कि एक दोस्त हमारे लाइफ में कृष्ण जैसा होना बहुत जरूरी है. तो जैसे कि आपके लाइफ में निशा मैम आई, स्वराली आई और उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया है ना. निशा ने भगवत गीता लिखनी शुरू कर दी, स्वराली वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड आप भी उससे कुछ इंस्पायर हो गए और आपने भी एक बेहतरीन ऐसे क्लब शुरू कर दिया. तो हम सब जानना चाहेंगे कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद दैट क्लब और नाम क्या है उस क्लब का, प्लीज.
यस मेरी जो इंस्पिरेशन है क्लब की पीछे की वो है ये वंडरफुल लेडी. आई वुड लाइक टू स्पॉटलाइट हर. यस कैन यू सी हर? शी इज पराली. सो यस सो शी इज स्वराली दातार. शी इज एन अमेजिंग ये सेकेंड फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ये भी साइकोलॉजी सीखती है एंड शी इज एन अमेजिंग डांसर एंड अ सिंगर टू. इनके अभी संस्कृत के क्लासेस चलते हैं. सो शी वॉज माई इंस्पिरेशन. जब ऑगस्ट की बात आई पिछले साल की तो यस पिछले साल ऑगस्ट में एक्चुअली इनका तो स्वराली के संस्कृत के स्वराली मैम के संस्कृत के कोचिंग क्लासेस की बात चल रही थी एंड दैट इंस्पायर्ड मी सो मच कि इवन आई शुड डू समथिंग. सो आई डिसाइडेड और मुझे एक फट से आइडिया आई उस टाइम और वो थी फैन क्लब की आइडिया. एंड मैंने आशीष सर को बताई एंड फटाक से 3 दिन में वो शुरू भी हो गया. सो रियली ग्रेटफुल टू आर सी सर. देन उसके बाद भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए. मेरा पहला पब्लिक स्पीकिंग का सेशन जो था वो मेरा फैन क्लब में हुआ. देन बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग लोग वहाँ पे आते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेनू मैम है यहाँ पे मुझे दिख रही है. यस सो रेनू मैम है. देन तन्वी है. देन निशा जी है वहाँ पे. सो बहुत सारे अमेजिंग लोग वहाँ पे आते हैं एंड पर्सनली मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई इस कारण से. देन यस प्लीज गिव मी अ मिनट. तो यस जैसे क्षितिजा जी कह रही थी इट्स एन अमेजिंग 5M क्लब. में आप सभी को जो भी है यहाँ पे वो जानते हैं कि लाइफ में परिवर्तन होता है. जो नहीं है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर हमारे 5M क्लब को ज्वाइन कीजिए. तो क्षितिजा जी आ गई है वापिस. क्षितिजा जी आप 5M क्लब के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगी? यस मैंने उसमें से कुछ और भी चीजें सीखी वहां पे. दे आर टीम में कैसे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी एक 8 लोगों की वंडरफुल टीम है. उसमें निशा जी है. देन वी हैव तन्वी जी ओवर हियर. देन वी हैव मेनी सच अमेजिंग पीपल. तो मैंने टीम में कैसे काम करते हैं वो भी सीखा. उसके बाद मैंने सीखा कि लीडरशिप स्किल्स कैसे होते हैं. हाउ टू मतलब राइटिंग स्किल्स को मेरे बहुत पॉलिशिंग मिली इसमें से. मैसेज टाइप करने होते हैं सेंड करने होते हैं. सो ओवरऑल फैन क्लब इज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी एंड मुझे एक एडिशनल 250 लोगों की फैमिली मिल गई. सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. वाओ वंडरफुल. तो जैसे हम सब जानते हैं ताजमहल खड़ा होता है जरूर खड़ा होता है लेकिन ताजमहल की बुनियाद पे जो पहली बीट जिसे बोलते हैं जो पहला पत्थर लगता है और जो वो लगाते हैं दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. क्योंकि 5M क्लब तो सबको पता था. रॉबिन शर्मा की बुक भी सबको पता थी. तो क्षितिजा मैम वॉज द इंस्पिरेशन. शी वॉज द लीडर. शी वॉज द एक्शन टेकर. द फर्स्ट स्टेप टेकर कि जिन्होंने ये संकल्पना आरसी सर के सामने रखी. आरसी सर ने उसको बहुत सराहा. उनको भी अच्छा लगा एंड देन वी स्टार्टेड. तो अभी क्षितिजा मैम वहां पे 5M क्लब में पूरा मैनेजमेंट देखती है. लाइक कब 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 किसका सेशन होना चाहिए. कौन से टाइम पे मेडिटेशन होना चाहिए. एक्सरसाइज होनी चाहिए. मतलब लिटरली कभी कभी हम भी जाते हैं 5M क्लब में तो अगर हमें बोलना है तो क्षितिजा मैम की परमिशन लेनी पड़ती है. क्षितिजा मैम आज इसके दिन हम बात करें राइट तो फिर हम उनकी परमिशन लेके बात करते हैं वहां पर. तो क्षितिजा मैम ये तो बताइए कि ये आपका वो फाइटर वाला जो रूप है ना वो भी हम देखना चाहेंगे. हाउ इट बिकम्स अ फाइटर क्षितिजा. जैसे आपने बताया कि आप डैन 2 कराटे चैंपियन हो तो आई वुड लाइक टू लिसन टू दैट पार्ट ऑफ योर स्टोरी आल्सो. थैंक यू. यस मैम श्योर. सो स्पोर्ट्स का और मेरा नाता जैसे मैंने कहा कि बहुत गहरा है. बचपन से हम दोनों ऐसे साथ में चलते आ रहे हैं. जब मैं पहली स्टैंडर्ड में थी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. सो उस टाइम मैंने मेरी मम्मा ने मुझे यस एम ऑडिबल नाउ.
मेरी मम्मा ने मुझे व्यायामशाला कुछ करते रहता है ना, वो वहां पे शाखा टाइप कुछ रहता है, वैसे मम्मा ने मुझे एंगेज किया था उसमें ताकि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो. देन एंड रियली ग्रेटफुल टू हर. उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि आई. मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करती थी. फिर उसके बाद आई ज्वाइन स्केटिंग क्लासेस क्योंकि मुझे बहुत लाइक फैसिनेशन था उस चीज का. आई प्लेड स्टेट्स ओवर देयर इन स्केटिंग टू. देन मेरी जो स्पार्क है, मेरे अंदर जो स्पार्क है और अग्रेशन है, उसको देखकर मेरे पापा ने मुझे कराटे में एनरोल करने का डिसीजन लिया मेरे फोर्थ स्टैंडर्ड में. सो देन माय जर्नी कंटिन्यूड. फिर उसके बाद द मोस्ट इंसिडेंट तो जो था बहुत अच्छा एंड बहुत सीखने वाला, तो वो था जब मैं ग्रीन बेल्ट बनी. आई प्लेड माय फर्स्ट चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी वो. एंड उसमें तीन कंट्रीज थे. फर्स्ट वन वाज श्रीलंका, जापान एंड नेपाल. सो इससे तीन कंट्रीज और हमारा इंडिया भी उसके पार्ट था. बालेवाड़ी में हुए थे वो 2015 में. सो एट दैट टाइम आई प्लेड माई फर्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि वो मेरा पहला चैम्पियनशिप था. एंड एट द सेम टाइम आई वॉज सो इलेटेड, आई वॉज सो ओवरवेल्म क्योंकि वो तीन कंट्रीज थे और उनमें से पहला जो नेशनल एंथम बजता है हमारे जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में नेशनल एंथम बजता है. सो उसमें जो पहला नेशनल एंथम बजा था वो था हमारे इंडिया का. एंड इट वॉज अ सो प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो इलेटेड. उसमें यस, उस चैंपियनशिप में मैं लाइक यू नो वन पॉइंट से हार गई थी एंड आई स्कोर्ड सिल्वर मेडल इन दैट. एंड मैं बहुत डिस्करेज हो गई थी उसके बाद. सो मैं डिस्करेज हो गई एंड देन आफ्टर दैट माय फादर एंड माय मॉम एंड डैड स्टार्टेड आस्किंग मी कि क्या हो गया, तुम कराटे क्लासेस क्यों नहीं जाती. फिर मैंने कहा कि लाइक दिस हैज डिस्करेज मी एंड मैं नहीं कर सकती आगे. Then they told me, और मेरे कोच ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे अशोक कदम सर उनका नाम है. सो उन्होंने कहा कि योर वन डिफीट डज नॉट माई स्कूल गेम्स होते हैं जो स्कूल में मैंने खेले थे. फिर तीन साल कंटिन्यूसली 3 साल तक मैंने स्कूल गेम्स में गोल्ड लिया था. फिर मेरी प्रिंसिपल बहुत इम्प्रेस हो गई. सो शी आस्क्ड मी टू शी ऑफर्ड मी टू ज्वाइन स्कूल का बास्केटबॉल टीम. सो फॉर वन सेकेंड मैं बहुत खुश हो गई थी कि लाइक मुझे खुद ब खुद उन्होंने मुझे पूछा है एंड शी हैज ऑफर्ड मी दिस अपॉर्चुनिटी. बट आफ्टर दैट आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि मेरे एम्बिशंस क्या है. मेरा एम्बिशन था कि मुझे 10 से पहले ब्लैक बेल्ट लेना है एंड आई टुक दैट. यस, सो मैंने वो लिया एंड आई टुक. सो मेरा एम्बिशन, मैंने खुद को ये रिमाइंड किया कि मेरे एम्बिशन क्या है एंड आई फर्मली टोल्ड. सो मैंने वो पहला लाइफ का डिसीजन लिया था एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट डिसीजन कि मैंने फर्मली प्रिंसिपल को बोल दिया कि नो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ माय कराटे. क्योंकि अगर मैं ज्वाइन करती दैट वुड बी अ गुड थिंग, मुझे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हमारे 10th के बोर्ड में. बट मेरा जो है वो लक्ष्य वो थोड़ा सा विचलित होता और मैं कम टाइम दे पाती कराटे को. सो इसलिए आई चोज ऑन टू कराटे एंड 10th में मैंने पहली रेफरीशिप की थी स्कूल गेम्स में. सो आई बिकेम अ रेफरी इन माय 10th एंड दैट्स रियली आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय फादर. ही एनरोल्ड मी इन द राइट एज एंड ही गेव मी राइट डायरेक्शन टू माय life. Thank you so much. Wow, मतलब देखिए
स्पोर्ट्स जिसे बोलते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप का जो स्पिरिट रहता है वंडरफुल की होती है, हार जीत होती है, और फिर भी आपने उसमें अच्छा किया था, सिल्वर मेडल वाज अ गुड थिंग राइट। फिर भी 3 बार इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल इज रियली वंडरफुल थिंग, और 10वीं में रेफरी बनना, रेफरी यानी आपको वहां पे जज करना होता है कि हु इज द विनर राइट, मुझे जितना स्पोर्ट्स का ज्ञान है उसके हिसाब से। तो और 10th स्टैंडर्ड गर्ल बिकम अ रेफरी, वाओ दैट वाज रियली वंडरफुल। तो क्षितिजा आप सच में बहुत ही फाइटर हो, और जैसे कि मैंने देखा है कि आप हर जब भी हम मिलते हैं तो आप हर एक को एनकरेज करती हो सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप चाहती हो कि हम यहाँ से अपने माइंड से भी स्ट्रांग हो और बॉडी से भी स्ट्रांग हो। सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अवर ऑल ITG मेंबर्स। आप उनके साथ तो बात करती हो और आज हमारी लाडलीज के साथ भी बात कर रही हो, तो आप हमारी लाडलीज के लिए कुछ लेके आई है ऐसे मुझे एक मैसेज आया अभी, सो वी आर रियली एक्साइटेड। क्या गिफ्ट आप लेके आए, क्योंकि मुझे एक पर्सनल पे मैसेज आया है यहाँ पे, so what is that gift? We are really excited. एक मिनट मैं पूछ तो ले, क्षितिजा दीदी जो गिफ्ट हमारे लिए लेके आई है, कौन कौन चाहता है वो गिफ्ट लेना, कौन कौन चाहता है जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आए, फिर उनको हम वो गिफ्ट दे देते हैं। ओके सो यहाँ पे प्रिया बोल रही है कि चाहिए, अरे वाह, राजेश्वरी, तन्वी, हर्षिता, थैंक यू स्वराली, थैंक यू वरदा, ऋतुजा, वाह वाह, सो मेनी रिस्पॉन्सेस परी, थैंक यू। तो क्षितिजा दीदी लगता है आपका गिफ्ट इन लाडलियों को चाहिए, सो प्लीज हमें बताइए व्हाट इज दैट सरप्राइज। ओके सो दैट सरप्राइज इज मैं इस समर अपने कुछ दो कलीग्स के साथ मेरे दो कलीग्स के साथ मैं एक समर कैंप लॉन्च कर रही हूँ सेल्फ डिफेंस का, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लाडलियाँ, जैसे मैंने खुद को स्ट्रांग किया वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सभी लाडलियाँ भी खुद को स्ट्रांग करें, अपना स्किल सेट, अपना माइंड सेट, अपना बॉडी सेट स्ट्रांग करें। अगर आपको कोई ऐसा छेड़ देता है जैसे मुझे तंग किया था, वैसे आपको कोई तंग ना करे, एंड इफ अगर तंग भी कर दे तो फिर आप उसे दो गुद्दे मार के आ जाओ। सो दैट्स माई मोटिव। जनरली हमारा जो प्राइस होता है वो 1300 रुपये होता है, लेकिन आप सभी लाडलियों के लिए आई एम ब्रिंगिंग इट इन अ वेरी नेग्लिजिबल प्राइस। सो वो प्राइस है, किस किस को जानना है वो प्राइस, यस प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। वाओ अमेजिंग रिस्पॉन्सेस। थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में मैं भी बात करना चाहूंगी, अमेजिंग कोर्स है। क्षितिजा ने थोड़े से डिटेल्स मेरे साथ लाइक लास्ट हफ्ते हम जैसे ही बात कर रहे थे उसे शेयर किए थे। पहले तो वो आपके माइंडसेट पे काम करेगी, हाउ वी कैन बिकम, हमारे माइंड से कैसे स्ट्रांग होंगे वो बताएंगी। धीरे धीरे वो आपको कराटे के लिए बिल्टअप करेंगी, और वहां पे फिर टेक्निक्स सिखाए जाएंगे जिसमें एक सिंपल टेक्निक्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो और अगर कुछ होता है तो एक सिंपल टेक्निक्स है, कभी कभी हो जाता है कोई हाथ पकड़ लेता है तो हाउ आप उससे कैसे बाहर निकले, तो ऐसे सिंपल टेक्निक्स से लेके अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसको भी कैसे हमें डील करना है उस सिचुएशन के साथ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्षितिजा मैम यहाँ पे सिखाएंगी हमें। ये 7 दिन का कोर्स है, 8 मार्च को हम ये लॉन्च कर रहे हैं और सैटरडे को है लॉन्च करने वाले। तो आपको क्या करना है पता है, मैं अभी आपके साथ, यस तो ये है, यस 8 मई को, थैंक यू प्रिया फॉर करेक्शन। तो 8 मई को ये जो कोर्स है वो क्षितिजा मैम लॉन्च कर रही है, और अभी आपके स्क्रीन पे क्षितिजा मैम का नंबर है, तो आपको क्या करना है, ये नंबर कॉपी करना है। निशा मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स में भी डाल दे ये नंबर एक बार, ताकि लाडलियों को इजी जाए कॉपी करना। और आपको क्या करना है, क्षितिजा मैम को कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है उनको, और फिर वो आपको ये सारी जानकारी देगी।
तो जैसे मैंने आपको बताया आपके माइंड पे आपकी बॉडी थोड़ा सा तैयार करने के लिए कराटे पे, और आप वहाँ पे टेक्निक्स भी बहुत अच्छे से सीखोगे। लेकिन क्षितिजा मैम ने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया है, छोटा सा स्टार है फिर लगा दिया है, और वो स्टार ये है कि जो पहली 10 लाडलियां है, जो पहली 10 लाडलियां है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये ऑफर मिलने वाली है। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, और थैंक यू क्षितिजा मैम कि आपने हमारी लाडलियों को कंसिडर किया है। एंड आई नो द रियल प्राइस इज मोर देन 1300। वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा है आज के इस एरा में। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स लड़कियों को आना बहुत 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 जरूरी है। यस ओ यस। और फिर भी आपने हम सबको कंसिडर किया है, एंड यू आर जस्ट हैविंग दैट ऑफर प्राइस फॉर ऑल ऑफ अस एट 299। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो लाडलियों झट से नंबर कॉपी कीजिए और क्षितिजा मैम को मैसेज कर दीजिए। तो ये वर्कशॉप होगा 7 सेशंस का, तो बाकी सारी डिटेल्स आपको क्षितिजा मैम बता देंगी कि सैटरडे डेफिनेटली 8 मई को शुरुआत कर रहे हैं। आगे के सेशंस कैसे बढ़ेंगे, कौन से सेशन में क्या डिटेल्स होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन क्षितिजा मैम आपको दे देंगी। प्लीज प्लीज उन पर्सनल कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सो थैंक यू क्षितिजा मैम फॉर दिस वंडरफुल ऑफर, वंडरफुल गिफ्ट एंड वंडरफुल इंटरव्यू टू। सो ओके, तब तक निशा मैम कुछ कहना चाहेंगी अपने इस फ्रेंड के बारे में? Yes, thank you Monica ma'am, and just give me feedback that am I audible? Or kya mera video clear hai? Thank you for your feedback. And Kitiza ma'am, it's really amazing journey, and jo aap abhi kaam karne ja rahe ho wo bhi kafi acha hai. Okay, now am I audible? क्योंकि यहाँ पे कुछ नेट इश्यूज नहीं, जिसके भी हमें okay. So yes, आपकी लाइफ जर्नी भी काफी अमेजिंग है, एंड जैसे हर क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म जो रूप होता है, जैसे क्षितिजा मैम का जैसे अभी है, तो उसकी जो जर्नी है, मतलब उससे पहले कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, हम थोड़ा पीछे रहते हैं। ओके, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? ओके, yes, thank you once again for your feedback. तो जो ट्रांसफॉर्म जो रूप होता है उससे पहले जो हमारा रूप होता है उससे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए टू बी है, हमें ए से बी तक, मतलब अभी जो हम है वो है बी, तो जो ए से बी तक की जो जर्नी है वो हमने तय कर पाना, वो हमने पूरी पार कर पाना, ये सबसे बड़ी बात है। एंड उससे उभर जाना, उससे आगे बढ़ना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। एंड अच्छा लगा जो एक रिलेटेबल जो स्टोरी है वो सुनी, मतलब स्टार्ट में सबकी स्टोरी कुछ कुछ की थोड़ी थोड़ी सेम है, यानी जैसे हमने सुनी के मैम का भी देखा तो थोड़ा थोड़ा सेम ही है, पर थोड़ा सा किसी की, जैसे मैंने शिक्षा मैम ने बोला कि इंटेंसिटी किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो अमेजिंग जर्नी। एंड आपने जो 5M क्लब शुरू किया है उसका सबसे ज्यादा फायदा तो मैं यही कहूंगी कि मुझे हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है, मतलब हर एक को ऐसा कर सकता है, क्योंकि अभी जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, जो मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया है ये 5M क्लब की वजह से आया है, क्योंकि जो ये सारे है वो मुझे वहां से लगी है, 5M क्लब की वजह से लगी है। एंड अगर मतलब 5M क्लब फाउंड करने वाली है क्षितिजा मैम, सो मैं इसके
एंड अच्छा लगा आपकी ये जो जर्नी है, आपकी लाइफ जर्नी सुन के. एंड यस थैंक यू सो मच. Yes, thank you so much, Nisha ma'am. Thank you for your kind words. Thank you, Monica ma'am. And once again, I would like to express my sincere gratitude towards all of you for listening patiently. Yes, thank you so much, Monica ma'am. Thank you, Nisha ma'am. Thank you, Ashti sir. Thank you, mom and dad. Then thank you, Renu ma'am. Thank you, Meenal ma'am. Thank you, Swarali ji. Thank you, Tanvi ji. Thank you, Varada ma'am. Thank you, Rajeshwari ji. Thank you, Priya ma'am. Thank you, Samruddhi ji. Thank you, Portfolio ma'am. Thank you, Archana ji. Thank you, Ruma ma'am. Thank you, Asume. Thank you, Pari ji. Thank you, Sampada ma'am. Thank you, Vaidahi ji. Thank you, Harshita ma'am. Thank you, Nyanu ji. Then thank you, Samruddhi ji. Then thank you, Prachi ma'am. Thank you, Renu ma'am. Thank you, Rajeshwari ji. Thank you, Nehal ma'am. Thank you, Rutuja Patil ji. Then thank you, Seja ji. Thank you. Yes, jiska maine naam miss kiya diya hai, sabhi ko bahut bahut dhanyawad. Yes, thank you so much. Or I was just looking to the messages. यहाँ पे हमें 24 messages आए हैं कि interested आए जो हमने बोला था. तो क्षितिजा मैम हमें बात करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे क्षितिजा मैम ने कहा है कि वी हैव लिमिटेड ऑफर, तो जर्नी सेम ही है. तो इनफैक्ट सबकी जर्नी जो है वो सेम ही होती है, बस उसमें अलग अलग कुछ तो डिफरेंस हमें ही ढूंढना होता है, क्योंकि लाइफ की तो जर्नी है सबका, वो एक यू नो स्टेजेस होता है कि हम छोटे होते हैं, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं, यंग एज में आ जाते हैं, फिर अडल्ट होते हैं. तो वैसे देखा जाए तो सेम ही है, और देखा जाए तो डिफरेंट है. तो वो सेम को डिफरेंट कैसे बनाना है, वो हमारा खुद का ये हमारा जीनियस है, वो हम लोगों का टैलेंट है जो हमें ढूंढना है. हम सब में एक स्पार्क है, क्योंकि आप हर ट्यूसडे को देख रहे हो, हर एक लाडली आ रही, जैसे हमने स्वराली को देखा, सुनिधि को देखा. सुनिधि इज अ गुड सिंगर, फंटास्टिक डांसर. स्वराली इज फंटास्टिक डांसर सिंगर एज वेल एज नाउ शी इज प्रूविंग हरसेल्फ एज अ गुड टीचर ऑल्सो, गुड ट्रेनर. एंड निशा जी, तो नाउ शी हैज टोल्ड यू कि उनकी कैसी जर्नी रही. तो पहले भी वो भी बहुत शाय हुआ करती थी, लेकिन अभी भी वो कुछ जो मंच है वो इंडिपेंडेंटली संभालती है, उनको मैनेज करती है. और आज आपने क्षितिजा को देखा कि क्षितिजा इज अ फाउंडर ऑफ 5 AM क्लब. एंड कभी हमने भी नहीं सोचा था कि हम भी 5 बजे उठ के ये क्लब अटेंड करेंगे और शांति से उनका सुनेंगे. मतलब टीनेजर्स को हम यू नो मोटिवेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि टीनेजर्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं. वहां पे वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम उनका सुनते हैं. मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिखो. एंड आजकल तो एवरीडे एवरीवन हर कोई आके उनकी कुछ यू नो लाइफ स्टोरीज सुना रहा है, या तो फिर बुक समरीज सुना रहा है. तो यू आर गोइंग ग्रेट. तो जैसे क्षितिजा ने कहा कि उनकी जर्नी कैसी थी, काफी यू नो कम बात करने वाली लड़की जब कराटे सीखती है और सेल्फ डिफेंस सिखाती है, तो बहुत जरूरी है आपके लिए वो. तो आजकल ज्यादातर काम हम यू नो टैलेंट पे करते हैं, या तो फिर कुछ स्किल्स बढ़ाने के लिए करते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है. आपने आपको अपने आप को जिस तरीके से यू नो प्रेजेंट करना है वो काफी डिफरेंट है. तो जहां पे यू नो सर्व गुण का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक सालस लड़की भी दिखनी चाहिए, एक एजुकेटेड लड़की, वहां पे वो यू नो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, लेकिन उसके साथ उसको उसका सेल्फ डिफेंस भी आना उतना ही जरूरी है. और यदि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके ही फ्रेंड्स के साथ सीखने का, आपके ही फ्रेंड से कुछ सीखने का, तो आई थिंक सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. एंड वो काफी मिनिमम प्राइस में चीजें ऑफर कर रही है, सो आई थिंक सो यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. एंड
उसको समझने का या तो फिर उसको जानने का और आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा, ज्यादा जान पाओगे आप क्षितिजा को और उसका माइंडसेट कैसे है एंड हाउ इज हर थिंकिंग स्टाइल. सो आई थिंक योर मोस्ट ऑफ यू शुड टेक दिस एडवांटेज एंड गो फॉरवर्ड. मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि इग्नाइट द फायर ऑफ मोटिवेशन बाय फाइंडिंग स्पार्क ऑफ डिजायर. अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बुक पढ़ रही थी, वहां पे मुझे ये सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा, इग्नाइट द फायर ऑफ मोटिवेशन बाय फाइंडिंग योर स्पार्क ऑफ डिजायर एंड डिजायर इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल अचीवमेंट. क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम जो भी कुछ करते हैं ना वो हमारे डिजायर से ही आता है. तो पहले डिजायर होना बहुत जरूरी है, वो स्पार्क होना बहुत जरूरी है. तो आपके सबके अंदर एक स्पार्क है, उस स्पार्क को हमें ढूंढना है. एंड आई थिंक सो यू आर इन राइट जर्नी ऑफ फाइंडिंग द स्पार्क विद इन यू. क्योंकि हम सब में एक जायंट छिपा हुआ है, उस जायंट को हमें बाहर निकालना है. एंड दीज आर द प्लेटफॉर्म्स which will help you to, you know, to get out that giant within you. So keep it up, Ladlio, और हम लोग हमारे हमेशा आपके साथ में हैं. हमारे life journey और जो भी experiences है वो share करने के लिए और आपको आगे लेके जाने के लिए. ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, नए नए कोर्सेज लॉन्च कीजिएगा. सो मोर पावर टू यू एंड थैंक यू मोनिका मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. यस थैंक यू मीनल मैम, जो ये पर्ल्स ऑफ विजडम आपने हमें दिए है. वंडरफुल सेंटेंस इट वाज. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट क्षितिजा मैम. मुझे लगता है हमें और आपको एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा इसके बाद में. हमारी लाडलियों के बारे में जरूर करेक्ट करेंगे. तो ठीक है,